एलिमिनेशन वगैरह था नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि पहले तो मैं देख के सरप्राइज हो गया कि बोलते हैं यूपीएससी का ब्रह्मास्त्र था पूरा का पूरा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं अरमित। दोस्तों जैसे जानते हैं आज 28 मई तो सेकंड शिफ्ट के यूपीएससी के एग्जाम छूट चुके हैं, दसवीं साइड के डायरेक्ट अभ्यर्थी आते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, कैसा गया। सर आपका पेपर कैसा गया? पेपर मतलब उम्मीद अच्छी की नहीं थी पर अच्छा गया, क्योंकि बड़ा अजीब पेपर आया था, बड़ा अजीब पेपर उसके कारण थोड़ा सा एज मिला, मतलब जो सही सही पढ़ा था उसके कारण हो गया। एलिमिनेशन वगैरह था नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि पहले तो मैं देख के सरप्राइज हो गया कि बोलते हैं यूपीएससी का ब्रह्मास्त्र था पूरा का पूरा। हर बार एक ब्रह्मास्त्र फेंकता है, इस बार भी एक था, पिछले वाले को स्ट्रेंथन कर दिया था, सबसे अलग है, बिल्कुल नया, एक नई टेक्निक, एलिमिनेशन खत्म, मतलब अब आपको पूरा पूरा ज्ञान रहेगा तभी एलिमिनेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी ठीक है सर, क्या करें। आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, पिछली बार थर्ड में मैंने मेंस लिखा था जी। इस बार बहुत कठिन था, प्रीलिम्स से वाला था। और प्रीवियस के पहले हिसाब से देखिए तो बहुत कठिन था, जैसे आपने एग्जाम दिया अभी है तो बता सकते हैं कठिन है। तो माध्यम कौन सा आपका रहा? इंग्लिश मीडियम था। आपका ऑप्शनल क्या था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी था जी। और अदर कुछ कहना चाहेंगे सिविल सर्विस को लेकर के, कैसे मन में विचार आए सिविल सर्विस को लेकर? क्या करें, मतलब सारे लोग इसी में कूदे चले आ रहे हैं और इस वजह से तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है। हमको लग रहा है मतलब एग्जाम्स बहुत ज़्यादा हो गए, पेपर्स भी बहुत ज़्यादा बन गए, सारे लोग फैक्ट से बोर हो चुके हैं, अब अंडरस्टैंडिंग पे आना चाहते हैं और लीडरशिप भी अच्छी मिली है आई थिंक हमें नेशनल लेवल पे, तो सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लोगों में आ रही है। सो आई थिंक इस एग्जाम, आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट प्रिफर्ड एग्जामिनेशन फॉर एवरीबडी जो ग्रो करना चाहता है वो। And everything's fine, I think. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. आपका पेपर कैसा गया सर? एक मिनट आ जाइए सर प्लीज। अच्छा नहीं गया है। थोड़ा सा जाइए। तो अच्छा नहीं गया, क्या टफेस्ट क्वेश्चन थे क्या सर? सीट, हाँ, सी सेट थोड़ा ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा लंबा पैराग्राफ था जी। और मैथ का जो है बहुत कम समझ में आ रहा था। कितने अटेम्प्ट किए आप? हमने अटेम्प्ट जो है करीब 45 के प्लस किया था। 45 अटेम्प्ट किए हैं। तो किस कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं, जैसे कि किस टॉपिक को लेकर के हार्ड लगे आपको, टॉपिक बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं। कभी जलवायु परिवर्तन में ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें जो, उसके बाद फिर जनसंख्या पे ज़्यादा क्वेश्चन थे और इसमें नेचुरल में प्राकृतिक संख्या वाला ज़्यादा क्वेश्चन था कुछ, और इसमें वगैरह वगैरह कुछ ज़्यादा था। कौन सा अटेम्प्ट आपका है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। कौन सा आपका माध्यम रहा? हिंदी माध्यम। ऑप्शनल का है आपका? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी था जी। तो आपने कैसे क्या चीज़ कहीं कोचिंग क्लास गए थे आपने सेल्फ स्टडी आप? हाँ, ALS में मैं कोचिंग किया था जी। अच्छे से प्रीवियस आप देखे होंगे तो हाँ। प्रीवियस क्या आप लगा के लो लगा? नहीं, हार्ड लगा था ये वाला जी। हाँ। तो हार्ड लगा बहुत। हाँ, प्रीवियस वाला तो ठीक ठाक लग रहा था लेकिन ये हार्ड लग रहा है, मतलब हर बार से आयोग जो हर बार से जो है क्वेश्चन जो कि ज़्यादा हार्ड बना रहे हैं। अच्छा, मॉर्निंग वाला पेपर को लेकर क्या बोलेंगे? मॉर्निंग वाला भी पेपर हार्ड था, हार्ड था हाँ, और बाकी ये सब सेगमेंट से क्वेश्चन था, ऐसा कोई नहीं था जो नहीं बचा था। बढ़िया गया। कुल कितने अटेम्प्ट किए सर आप? अटेम्प्ट तो ठीक ठाक हो गए हैं, काम भर के कहा हो जाएगा। नंबर कितने अटेम्प्ट किए कुछ बता सकते हैं? नंबर 89। 89 अटेम्प्ट कर दिए, बहुत अच्छा है। आप तो अटेम्प्ट किए तो कुछ किस काफी टॉपिक कुछ बता सकते, कुछ टफेस्ट लगे मैथ रीजनिंग है? मैं कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और थोड़ा उसका रीजनिंग वगैरह पे, मैथ्स वैथ्स उतना ज़्यादा मुझे नहीं करता। सर आपका माध्यम कौन सा रहा जी? माध्यम सर इंग्लिश जी। सर आपके ऑप्शनल? ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी। सर और ये कौन सा अटेम्प्ट रहा सर आपका? पहला है जी, पहला अटेम्प्ट रहा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट की पहले अटेम्प्ट में। और सर जैसे कि आपने कहीं कोचिंग क्लास की या फिर स्टडी आपने की? नहीं, सेल्फ भी था और बाकी दे IAS में। मतलब विचार कैसे आया सिविल सर्विस में जाना चाहिए? यही एक सर्विस है जिससे आप नेशन को सर्व कर सकते हैं इजिली, आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप मैनेजमेंट देख सकते हैं, तो इस वजह से अब नेशन को सर्व करना है तो इससे अच्छा मोटिवेशन भी आपको नहीं मिल सकता है। और सर जी मॉर्निंग वाला क्या, मॉर्निंग कैसा गया आपका एग्जाम? वो भी अच्छा गया है। उसमें कितने अटेम्प्ट किए आप? उसमें हमने 162 का अप्रॉक्स नंबर ये नंबर किए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। बढ़िया गया। सर कितने अटेम्प्ट किए आप? 47 गए हैं। 47 अटेम्प्ट किए। तो इसी की मैथ में बात कर लेते हैं, किस टॉपिक लेकर थोड़ा सा टफेस्ट लगा आपको? मैथ टफ था, ये ओवरऑल टफ था मैथ। रीजनिंग का लेवल कहाँ? रीजनिंग मॉडरेट था। कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली पिछली बार से इजी था, कॉम्प्रिहेंशन इजी था, मैथ थोड़ा सा टफ था। अच्छा, इसे बात करते हैं प्रीवियस ईयर से लेकर, क्या टफ था कि वही लेवल का था? प्रीवियस ईयर से वही तो बता रहा ना, मैथ प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा टफ था और रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग वैसे ही था, कॉम्प्रिहेंशन ईजी था। कौन सा आपका माध्यम रहा? हमारा तो हिंदी माध्यम है। कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? सेकंड अटेम्प्ट। ऑप्शन क्या है आपका? हिंदी। हिंदी जी। हमने किया लमसम में 60 क्वेश्चन के आसपास। 60 क्वेश्चन किए तो हो गया ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं किए हैं।
तो मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से डिफिकल्ट लगे, जो मैट्रिक से आते हैं? मैथ रीजनिंग में पूछा था, रीजनिंग हमने ऐसा तैयारी किया नहीं था। कहाँ से मतलब कि क्या था, मतलब क्वेश्चन था उसमें पता चल ब्लड रिलेशन से रीजनिंग में किया? नहीं, ब्लड रिलेशन वाला ही सब आसान क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी कठिन क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। क्या कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे? क्या कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। माध्यम रहा, माध्यम हमारा हिंदी था, सबके हिंदी माध्यम जी। अब कौन सा था मतलब कि ऑप्शनल, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा? अभी कल पहला पेपर हमने दिया है, पहला अटेम्प्ट आपका ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।